चलिए, मैं मैम का चैम्बर पहुंच गया हूँ। तो मैम से अभी मैं पीआरपी लेने वाला हूँ। तो कुछ डाउट्स हैं जो मुझे शायद लगता है कि आप लोगों को भी जानना जरूरी है। तो मैं मतलब मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम, पीआरपी लेने के बाद मतलब उसका बेनिफिट्स क्या होता है? देखिए, पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो आपके, मान लीजिए एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपका हाथ कट गया है ना, जैसे हम रोजमर्रा कुछ किचन में काम कर लिया, यहाँ पे कहीं इधर उधर लग गया तो हमारा हाथ कट गया है ना। तो अब हम हर समय तो दवाई नहीं लगाते हैं, है ना। कुछ एंटीबायोटिक मलहम लगा सकते हैं, पर वो दवाई तो मतलब सिर्फ आपका इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का दवाई है, हीलिंग दवाई नहीं है ना। हीलिंग के लिए कोई दवाई नहीं है। पर आप देखेंगे कि 7-10 दिन में जितना भी गहरा चोट हो वो हीलिंग हो जाता है ना। अगर हीलिंग नहीं होता, घाव सूख जाता, और अगर हीलिंग नहीं होता तो क्या होता, उसमें ऐसे गैपिंग रह जाती। जैसे आप देखेंगे, अगर कट लग गई तो वो घाव जुड़ जाता है ऐसे। पर अगर जुड़ता नहीं, सिर्फ सूख जाता तो क्या होता, घाव ऐसे गैपिंग हो जाता। सूखता जरूर, पर वो गैपिंग हो जाता। इसका मतलब हमारे शरीर क्या कर रहा है, इसको रिपेयर कर रहा है, टिश्यू को रिपेयर कर रहा है, टिश्यू की ग्रोथ करके ये जो वुंड है इसको क्लोज कर रहा है ना। ये जो हीलिंग सिस्टम है ये आपके शरीर में ही है। और वो हीलिंग सिस्टम कहाँ है, आपके ब्लड के अंदर है। हाँ, ब्लड के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, आपका प्लेटलेट्स है। ये प्लेटलेट्स के अंदर हीलिंग फैक्टर है जो आपका टिश्यू का ग्रोथ करके आपका वुंड का, आपका घाव को भर देता है। तो ये हीलिंग फैक्टर को हम साइंटिफिक टर्म में ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। पीआरपी में हम क्या करते हैं, आपसे थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट में लेते हैं, मान लीजिए 10 से 15 ml ब्लड ऐसे लेते हैं, और उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में बिठा के वहाँ से हमको सिर्फ प्लेटलेट्स निकालने हैं। जैसे मैंने बोला, ब्लड में तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जो हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर ही वो हीलिंग फैक्टर है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, है ना। हम प्लेटलेट्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेपरेट करते हैं, और उसको एक बहुत पतली सी इंसुलिन नीडल, या कोई कोई लोग मीजो नीडल भी यूज करते हैं, उससे हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। क्या इंजेक्ट करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट्स बेसिकली इंजेक्ट करते हैं आपका स्कैल्प में, जिससे क्या होगा, आपका ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट्स के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो रिलीज होके आपके जो हेयर फॉलिकल्स है, जो मान लीजिए जो है पर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उस हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। तो ये पीआरपी सिर्फ हेयर के ग्रोथ के लिए नहीं यूज किया जाता है। मेडिकल साइंस में बहुत और जो चीजें हैं जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डर्मेटोलॉजी में ही मान लीजिए पीआरपी हम एक्ने स्कार रिपेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे फेशियल रिजुविनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसको छोड़ के जैसे आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स के में जो इंजरी लगती है, क्रॉनिक मसल इंजरी हो जाती है, या तो टेंडन और लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, तो इन सब में भी पीआरपी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एक अल्सर है, अल्सर का मतलब है कोई वुंड है, हाँ, तो वो वुंड हील नहीं हो रहा है, तो इस ये वुंड की हीलिंग में भी आजकल पीआरपी यूज किया जा सकता है। तो पीआरपी बेसिकली क्या है, आपका खुद का जो हीलिंग सिस्टम है, खुद का जो ग्रोथ फैक्टर है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं आपके हेयर के ग्रोथ में, फॉर जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए अगर हम यूज करते हैं, तो ऐसे करके वो काम करता और मैम, पीआरपी मतलब जैसे मेरा आज पहला पीआरपी है या ट्रांसप्लांट के बाद, और आगे मुझे और कितना पीआरपी लेना पड़ेगा मैम? अच्छा, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट का कोई परमानेंट, सॉरी, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना। तो जो भी चीज होगा, चाहे आप पीआरपी ले, चाहे फिनेस्टेराइड ले, चाहे मिनोक्सिडिल ले, आपको हमेशा मेंटेनेंस में लेनी पड़ेगी। तो इनिशियली जब हम पीआरपी स्टार्ट करते हैं, यूजुअली 4 सेशन जितना देते हैं, 4 सेशन जितना देते हैं, 4 से 6 महीने हफ्ते के गैप में, जैसे आप बहुत दूर से आते तो हम 2 महीने का भी गैप में देते हैं। तो इनिशियली ऐसे करके देंगे, बाद में जब आपका जो मन चाहे रिजल्ट जब मिल जाए, हेयर ग्रोथ हो जाए, तो फिर उसके बाद हम मेंटेनेंस सेशंस देते हैं, जैसा
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। तो मेडिसिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे कि जैसे मैंने बोला, जैसे कोई भी मेडिसिन मेल पैटर्न बॉल्डनेस का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो हर कोई मेडिसिन हर कोई प्रोसीजर होगा वो थोड़ा मेंटेनेंस में लेना पड़ेगा आपको। तो मैम जैसे मेरा ट्रांसप्लांट होते समय पीआरपी लिया गया था, तो उसका मतलब बेनिफिट्स क्या क्या था मैम, मतलब ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट का पीआरपी? अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला कि पीआरपी एक हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रो करने के लिए, मतलब जो हेयर न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होता है पीआरपी से, पर वो जो आपके थोड़े मिनिएचराइज टाइप के हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है ना। पर हाँ, हमने आपको ट्रांसप्लांट के दौरान भी पीआरपी दिया था, तो उसके कुछ फ़ायदा ट्रांसप्लांट के लिए भी है, ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए भी कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कि आप पीआरपी अगर देंगे इम्प्लांटेड हेयर में, तो क्या होगा, जो आपको ग्राफ्ट बिठाया गया है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है ग्रोथ के लिए, अच्छा ब्लड सप्लाई मिलता है, तो उससे थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर रहता है। और पीआरपी से क्या होता है, आपका स्कारिंग का चांसेस कम होता है। स्कारिंग क्यों हो सकता है, देखिए हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो स्लिट्स बनाए हैं यहाँ पे, पीछे से आपका पंच करके ग्राफ्ट निकाला तो थोड़ा तो वुंड हुआ है वहाँ पे, है ना, घाव हुआ है, तो वो घाव के जल्दी जल्दी हीलिंग में पीआरपी मदद करती है अगर ट्रांसप्लांट के दौरान पीआरपी दिया जाए, और स्कार रहने का चांसेस बहुत कम रहता है अगर पीआरपी करा जाए। और पीआरपी हम जैसे आपका ग्राफ्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डोनर एरिया से, तो हम थोड़ी देर बाहर रखते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्शन में भी समय लगता है ना, तो जितना एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ हो गया है, जितने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं उसको हम यूजुअली जैसे मान लीजिए नॉर्मल सलाइन में रखते हैं, रिंगर लैक्टिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये चीज़ आपका प्लाज्मा में भी रख सकते हैं, पीआरपी में भी रख सकते हैं, ताकि ये जो ग्राफ्ट है इसको शरीर जैसा एनवायरनमेंट मिले, है ना, बाहर शरीर जैसा एनवायरनमेंट मिले और वो उसका पेरिश होने का चांसेस कम रहे। तो पीआरपी ग्राफ स्टोरेज के लिए भी यूज़ हो सकता है ट्रांसप्लांट के दौरान, और जैसे मैंने बोला आपका हीलिंग बेहतर हो सकता है, स्कारिंग कम हो सकता है, और आपकी ग्राफ्ट को न्यूट्रिशन बेहतर मिल सकता है पीआरपी अगर ट्रांसप्लांट के दौरान दिया जाए तो। थैंक यू मैम। और मैम जैसे कोई कोई का होता है ना, किसी किसी का बाल जो मतलब कर्ली होता है, तो मतलब पतला होकर कर्ली मतलब होता है, तो वो जो पीआरपी से सीधा हो सकते हैं क्या मैम? पीआरपी से हेयर का टेक्सचर में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ग्रोथ होगा, आपको डेंसिटी बेहतर समझ आएगा, पर कर्ली बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। और मैम जैसे आज मेरा ट्रांसप्लांट का बाद मतलब ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट तो पीआरपी दिया गया था, पर उसमें तो मैम जैसे कि मेरा लोकल एनेस्थीसिया लगाया गया था, तो पेन मतलब नहीं हो रहा था, तो आज तो मतलब वो सब यूज नहीं होगा, तो मेरा मतलब पेन होगा क्या ना पीआरपी लेते समय, दर्द होगा क्या आज? अच्छा देखिए, पीआरपी हम कोई कोई पेशेंट में एनेस्थीसिया देके भी करते हैं, कोई कोई पेशेंट में सिर्फ सिंपल वाइब्रेटिंग मशीन होता है जो मसाज के लिए यूज किया जाता है, तो वो वाइब्रेटिंग मशीन जब आपका स्कैल्प में लगाया जाता है तो पेन की सेंसेशन कम होती है, है ना। अब किस पेशेंट में हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, कई कोई पेशेंट आप देखेंगे कि पेन की थ्रेशोल्ड बहुत कम होती है, ना थोड़ा सा भी कुछ करेंगे बहुत ज़्यादा दर्द लगता है, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, है ना, जिनमें बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है ना, बल्कि 99% ऑफ द पेशेंट्स सिंपल वाइब्रेटिंग मशीन से उनका काम चल जाता है, पेन होता है पर बहुत ही मिनिमल में बोलूँगी, जैसे आपको सर्जरी के टाइम पे लोकल एनेस्थीसिया लगाए थे उन्हें जितना पेन हुआ था उतना ही पेन पीआरपी से होगा, वो सेम नीडल यूज़ किया जाएगा, टेक्निक भी मतलब सेम ही है आपका, है ना, तो उतना पेन नहीं, आप तो सर्जरी में भी आपको बिल्कुल ही पेन नहीं हुआ लोकल एनेस्थीसिया में, तो पीआरपी में भी खास कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मैम जैसे हेयर ट्रांसप्लांट बोलने से मतलब सब मतलब सबका दिमाग में मतलब एक तो आता ही है, तो उसकी साइड इफेक्ट इसका कैसे होगा करके, तो पीआरपी में भी मतलब सबका वही मतलब होगा, मुझे मतलब डाउट है कि डाउट तो होगा कि सब ऐसे सोच रहा होगा करके, तो आप बता दीजिए कि पीआरपी का कुछ साइड इफेक्ट। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने बोला कि आपकी खुद की हीलिंग सिस्टम आपके ऊपर हम यूज कर रहे हैं आपका हेयर को ग्रोथ करने
ग्रो करने के लिए, है ना। सो ऐसा कोई बाहर का केमिकल यूज नहीं हो रहा है, कुछ हम बाहर से चीज इंजेक्ट नहीं कर रहे, आपका खुद का ग्रोथ फैक्टर्स आपको ही वापस दे रहे। तो इसमें साइड इफेक्ट्स होने का चांसेस बहुत ही कम है, अगर होता भी है तो सबसे पहले देखिए अगर स्टेराइल कंडीशन में नहीं किया गया, और स्कैल्प को अच्छे से साफ नहीं किया है, ब्लड लेते दौरान अच्छे से स्टेराइल कंडीशन में नहीं लिया गया है, तो इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है ना। पर उसका सब ख्याल रख के किया जाएगा आपका, तो उसको लिए आप निश्चिंत हो जाइए, है ना। और दूसरा चीज है, जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस किया पेन कितना होता है ना, तो पेन यूजुअली आप बोलिए बहुत मिनिमल ही होता है, जो हम वो वाइब्रेटिंग मशीन लेके और आपको कम हो जाएगा, है ना। और तीसरा है पीआरपी के बाद किसी किसी पेशेंट को हेडेक हो सकता है, है ना, वो भी इनिशियल के एक दो सेशंस में हो सकता है, वो भी रेयर है। अगर आपको हेडेक होता है तो आप पैरासिटामोल खा सकते हो और वो ठीक हो जाएगा। और मैम जैसे अभी नया मतलब पीआरपी का एक नया मतलब वेरिएंट निकल है ना, तो जीएफसी करके, तो मैम उसका फायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, जीएफसी का मतलब है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ये पीआरपी ही है, पीआरपी का थोड़ा एडवांस फॉर्म है, माने प्रोसीजर सेम है, और आपका ही ग्रोथ फैक्टर हम यूज कर रहे हैं जैसे हम पीआरपी में यूज कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि जीएफसी का मतलब होता है, जीएफसी का ऐसा करके आता है, सील पैक में आता है, जैसे ये ट्यूब है ना, आपको यहाँ पे कुछ जेल जैसा दिखाई देगा, है ना। तो जीएफसी में हम क्या करते हैं, आपसे जैसे 16 ml जैसा ब्लड लेते हैं और इस ब्लड को इस ट्यूब में 30 मिनट जैसे रख देते हैं। तो जब ये जो जेल है, जो आपका ब्लड में जो प्लेटलेट है ना, जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके निकालेगा, है ना। और इसको 30 मिनट रखने के बाद हम फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो जेल जैसा चीज दिखाई दे रहा है, ये चीज आपका प्लेटलेट से ग्रोथ फैक्टर अच्छा सा कॉन्सेंट्रेट करके बाहर निकालेगा, है ना। आपका ही ग्रोथ फैक्टर है पर हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में फॉर्म में, है ना। तो ये जीएफसी का मतलब होता है कि वही पीआरपी का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म, तो इससे थोड़ा सा आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलता है, बस यही है जीएफसी। ठीक है मैम, तो मेरा कुछ डाउट्स था तो मैं मैम से क्लियर कर लिया हूँ, आप मतलब आप लोगों की हेल्प मिल गया होगा शायद मैम जो बताया वो बात से।